जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू के तौर पर 1989 में पूछा गया यह प्रश्न है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि एग्जामिन द कंटेम्प्रोरी रिलीवेशन ऑफ द बेसिक टेनेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म और सोशलिज्म। देखो एक तो मार्क्स और सोशलिज्म के जो दर्शन हैं, जो चिंतन हैं, या फिर इनके कैसे कैरेक्टर हैं, या इनके मार्क्स का या मार्क्सिज्म या फिर कम्युनिज्म के क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसको तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें पता है कंटेम्प्रोरी रिलीवेंस पूछा गया है। अब जैसे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, रसिया वगैरह का डिसइंटीग्रेशन हो गया, चाइना वगैरह ने भी ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है, लेकिन फिर भी कैपिटलिज्म का अपना बोलबाला है, पूरी की पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड इरा में जी रही है, लेकिन फिर भी कम्युनिज्म एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता। लेकिन हाँ, इसके अपने भी जो है खूबियां हैं और खामियां हैं, ठीक है, क्योंकि जिस देश में कम्युनिज्म है वहाँ की स्थिति देख लो, वहाँ भी कुछ लोग के पास बहुत अधिक है और सामान्य जनता गरीब ही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका कंटेम्प्रोरी रिलीवेंस क्या है, समकालीन परिदृश्य में मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म का क्या बेनिफिट है, ठीक है, और समकालीन परिदृश्य में मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के क्या कुछ तत्व कंपोनेंट हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्नों के अंतर्गत जो है लिखना है। स्टार्ट क्लियर? तो आशा करता हूँ यह प्रश्न बड़ा ही ईजी था, मैंने पहले ही बताया इसमें ऐसा कुछ जो है समझने वाला है था नहीं। लेकिन देखो इसको आप 1989 में पूछा गया है तो उस परिप्रेक्ष्य में मत बनाओ, अभी के कंटेक्स्ट में बनाओ कि इस 21वीं सदी में और इस 20 कह सकते हो इस थर्ड डिकेड में मार्क्सिज्म और सोशलिज्म का क्या रिलीवेंस है, ठीक है। तो आप इस प्रश्नों को जब अभी के परिदृश्य में और अभी के परिप्रेक्ष्य में जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर राजनीति शास्त्र में, ठीक है, सिद्धांत तो ये बहुत पुराना है, मार्क्स के द्वारा यह कह सकते हो दिया गया सिद्धांत है, लेकिन अभी वर्तमान जो है परिप्रेक्ष्य में क्या इसका कोई रिलीवेंस बचा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जाते जाते हम इस प्रश्नों को एक बार फिर पढ़ देते हैं कि एग्जामिन द कंटेम्प्रोरी रिलीवेशन ऑफ द बेसिक टेनेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म। इज दैट क्लियर? अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।